तो भाई आज हम लोग जो है ना दिवाली की पूजा कर रहे हैं। हमारे परंपरा के हिसाब से, कुल देवते के हिसाब से पूजा करते हैं हम लोग। हमारे कुल देवते की सहजराम बाबा की पूजा हो रही है। तो ये जो है ना मटकी के मिट्टी के भांडे है, उसके अंदर जो है ना हम लोगों ने दूध डाला हुआ है और दूध डाल के अब इसकी खीर बनाएंगे। पूरा दिन ये ऐसे ही बनता रहेगा। पूरे दिन के बाद में शाम को 8 से 9 बजे जाके ये तैयार होगा। उसके बाद में हम लोग इसमें चावल डाल के इसकी खीर बनाएंगे और पहले बाबा सहज राम को इसका भोग लगाया जाएगा। उसके बाद में सब लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। ये बहुत टाइम लगता है, इसमें पूरा दिन लग जाता है। पूरे दिन में जा कर के ये तैयार होता है धीरे धीरे। और वैसी लकड़ी भी नहीं डाल सकती, इसमें थापी जो होती है गोबर की उपले जिसको बोलते हैं, उससे ये तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। पहले इसको मिट्टी को पूरी तरीके से ठोक के प्लेन बनाया जाता है, फिर इसमें मिट्टी पीछे भी लगाई जाती है बर्तन में, और तब जा कर के ये तैयार। इसमें धीरे धीरे पूरे दिन ऐसे धीरे धीरे करता रहेगा। ये सोचिए कितना टाइम लगता है, पूरे दिन धीरे धीरे होगा और उसके बाद में कंप्लीट जा कर के बनेगा ये। और बनने के बाद में फिर इसको सहजराम बाबा को भोग लगाया जाएगा हमारे परंपरा के अनुसार, ठीक है। तो उसके बाद में फिर प्रसाद के रूप में सबको दिया जाएगा। पूरी वीडियो आपको दिखाऊँगा मैं। सुबह के तकरीबन, दोपहर के तकरीबन 1 बज चुका है भाई। तो अभी तक जो है ना, अभी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए आप, खीर वैसे 2 घंटे में बना लेते हैं लोग, लेकिन ये खीर जो है ना, ये वैसे खीर नहीं है भाई, आम खीर नहीं है। इसमें वैसे गोबर के उपलों के साथ में ऐसे धीरे धीरे इतनी इतनी आग जलाई जाती है ताकि आराम आराम से बन सके ये। अभी तकरीबन 1 बज चुका है दोपहर का, और अभी 7 से 8 घंटे और लगेंगे आराम से। 7 घंटे तो आराम से मान के चलिए आप, ठीक है। 2-2.5 घंटे तो हो गए, 9-10, 9-9.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। 8 से 9, 9-10 घंटे भी लग जाते हैं, तो अभी 7 घंटे और चाहिए, ठीक है। अभी देखिए पूजा का समय, अभी पूजा के लिए अभी तैयारी हो रही है धीरे धीरे। 2 से 2.5 से 2 घंटे हो गए अभी, और 6 से 7 घंटे, 8-9 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है और ये पूजा केवल दिवाली के दिन ही की जा सकती है, वैसे नहीं करते हम लोग। केवल मात्र एक बड़ी दिवाली के दिन ही की जा सकती है, ठीक है, वैसे नहीं की जाती है। और भाई इसके पास में बैठना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा आता है, और पूजा करते समय इसको अकेले भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, और भी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। सुबह के तकरीबन, दोपहर के तकरीबन 1 बज चुका है भाई। तो अभी तक जो है ना, अभी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए आप, खीर वैसे 2 घंटे में बना लेते हैं लोग, लेकिन ये खीर जो है ना, ये वैसे खीर नहीं है भाई, आम खीर नहीं है। इसमें वैसे गोबर के उपलों के साथ में ऐसे धीरे धीरे इतनी इतनी आग जलाई जाती है ताकि आराम आराम से बन सके ये। अभी तकरीबन 1 बज चुका है दोपहर का, और अभी 7 से 8 घंटे और लगेंगे आराम से। 7 घंटे तो आराम से मान के चलिए आप, ठीक है। 2-2.5 घंटे तो हो गए, 9-10, 9-9.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। 8 से 9, 9-10 घंटे भी लग जाते हैं, तो अभी 7 घंटे और चाहिए, ठीक है। अभी देखिए पूजा का समय, अभी पूजा के लिए अभी तैयारी हो रही है धीरे धीरे। 2 से 2.5 से 2 घंटे हो गए अभी, और 6 से 7 घंटे, 8-9 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है और ये पूजा केवल दिवाली के दिन ही की जा सकती है, वैसे नहीं करते हम लोग। केवल मात्र एक बड़ी दिवाली के दिन ही की जा सकती है, ठीक है, वैसे नहीं की जाती है। और भाई इसके पास में बैठना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा आता है, और पूजा करते समय इसको अकेले भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, और भी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। सुबह के, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ना तैयार नहीं हुआ भाई। मैंने आपको क्या बोला था, 7 से 8 घंटे लगते हैं, 9 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, क्या करें। धीरे धीरे इसके अंदर आग जलानी पड़ती है, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर दूध जो है ना वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से वो दूध कम हो जाएगा, क्या फ़ायदा उसका। इसके लिए समय लगता है। और यहाँ पर देखिए पूजा जो है ना, अभी शाम को तकरीबन 9 से 10 बज जाएंगे आराम से, और उस समय तक भाई फास्ट रखना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है पूरे दिन। और आपने वैसी तो खीर खाई होगी, लेकिन ये जो खीर है इसकी बात ही अलग होती है। इसका टेस्ट जो है ना वो सर्वप्रिय है। 1 साल में 1 बार
इस खीर के लिए हम लोग इंतज़ार करके बैठे होते हैं कि भाई कभी कब दिवाली आएगी और कब हम लोग खीर बना के बाबा सहज राम को खिला के उसके बाद वो प्रसाद खाएंगे। और ये प्रसाद तो है, साथ में खीर जो है वो सर्वप्रिय, इसका टेस्ट अति उत्तम है। कभी भी आप सहज राम मंदिर जाटूसाना में आते दिवाली के टाइम पे तो आपको ये प्रसाद ज़रूर खाने को मिलेगा। जय उस सहज राम की। आज उतना दिन है सहज राम नो दिवाली नो दिन तो आट्टा मन को आयो आशी दे देवता नो कर राशी और आ यशवंत आखा डूंगर पर ये जी जेटा रे जेटा पेक से मैदान इज व्हाइट बाबा अंदर को जमा दिखाई से चेरी पचर की जा रोना तेरा दिखाने पर भी क्या यार छुट्टी चाहिए क्या तो मरी है कि आई तब उठने जो परवीन जुजे नहीं जो जो रॉकेट जुजे आज बेकार तो बहुत तगड़ा हो तो रुक गया कुत्ते वाह भाई वाह। इतने अलग अलग केसर से बिजू हुए जबरन भाई जो बड़ी बड़ी।